नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप सिंह पखाड़ा और आज मैं आपको ऐसी विभूति से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने ब्रेन के बारे में बहुत गहन रिसर्च की है और उनकी रिसर्च का ही फल है कि आज बहुत से लड़के, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। आइए तो आपको मिलवाते हैं उनसे, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए भी रिसर्च पर ध्यान दिया और जानेंगे उनसे कि क्या कारण रहा कि वो रिसर्च सॉफ्टवेयर इंजीनियर को छोड़ करके ब्रेन मास्टर कैसे बने। तो आइए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं उनसे। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। बच्चों की पढ़ाई पर क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है कि जैसे किसी भी काम करने का तरीका होता है, जी सर, पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ अपने एजुकेशन सिस्टम में ये तो बताया जाता है कि ये पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई जाती कि कैसे पढ़ो, याद कैसे करो। जी बिल्कुल, है ना जी। एक कंसेप्ट है मेटा लर्निंग, लर्न हाउ टू लर्न। बिल्कुल, ये सीखें कि सीखना कैसे है, उस चीज़ की बड़ी कमी है। तो मैं ये चीज़ बच्चों के साथ शेयर करता हूँ कि सीखना कैसे है। अगर हमें हमारे दिमाग के काम करने का तरीका पता चल जाए, और हर व्यक्ति के सीखने की अलग क्षमता होती है, अलग तरीके से सीखता है जी। तो ये अगर हमें पता करना है तो 8 तरीके होते हैं किसी के भी सीखने के। मैं 2-3 आपको बताना चाहूँगा। एक तो होता है विजुअल लर्नर, कुछ लोग देख के सीखते हैं, उन्हें देखी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं जी। कुछ ऑडिटोरी लर्नर होते हैं, उनको सुनी हुई चीज़ें ही याद रहती हैं जी। बिल्कुल सर, ठीक है। कुछ होते हैं काइनेस्टिक लर्नर, काम करके ही सीखते हैं जी। ठीक है, इस तरीके से 8 तरीके की अलग अलग लर्निंग होती है। अगर हमें किसी व्यक्ति के सीखने का तरीका पता चल जाए, बच्चे का सीखने का तरीका पता चल जाए जी जी। तो वो तरीका पता लगने से, अगर उसी मेथड से बच्चा पढ़ेगा तो कम समय में ज़्यादा याद करेगा जी। बच्चे का इंटरेस्ट जाग जाएगा उसके लिए। बिल्कुल। और जिस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है उसमें अच्छे नंबर लेके आने लग जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मैथमेटिक्स की बात करते हैं एग्जांपल के लिए, कि अगर मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ, क्यों हूँ? रीज़न ये है कि मैंने किसी ना बचपन से, सभी पैदा तो नहीं होते ना इंटेलिजेंट या किसी भी तरीके का किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन, तो किसी ना किसी दिन शुरू में मैंने मैथ्स सीखना शुरू किया, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू की और मुझे समझ नहीं आई। बिल्कुल। फिर मैंने और जोर लगाया, मुझे समझ नहीं आई, और धीरे धीरे मेरे दिमाग में उसके प्रति डर बैठ गया कि मुझे ये नहीं आती। उसके बाद चाहे आसान हो या मुश्किल, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आएगी। बिल्कुल सर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि पढ़ने का सही तरीका आए, और उसके बाद सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में किस तरीके से उसकी रुचि है, उसका इंटरेस्ट है जी। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि इनबॉर्न पोटेंशियल क्या है बच्चे का। उन 3 चीज़ों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन निकल आता है, और वो सॉल्यूशन जब अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिसको स्लो लर्नर कहा जा सकता है, कि पढ़ाई में कम नंबर आते थे या फिर बहुत मेहनत करके भी अच्छे नंबर नहीं आते थे, उनमें बहुत अच्छा सुधार आया, क्लास में टॉप करने लग गए जी। बिल्कुल जी। इस प्रोग्राम के लिए डिटेल में ना इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम बोलते हैं इसको, तो इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया जा सकता है। इसमें बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें रहती हैं, इसमें बच्चे की रीडिंग स्पीड बढ़ती है, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी रिटेंशन और कंसंट्रेशन, जिसकी आजकल सबसे बड़ी कमी है, एकाग्रता तो है ही नहीं बच्चों में। बिल्कुल सर जी। जैसा देखा भी गया कि कुछ एक अभिभावक हैं, वो लोग ये समझते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे तरीके से जानते हैं और अच्छे तरीके से उसे पहचानते हैं, उसका अच्छा बुरा जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साइंटिस्ट की रिसर्च में ये पाया गया है कि वो अच्छे तरीके से जानते हुए भी नहीं जानते उन्हें जी। उसके पीछे का क्या कारण है सर? इसके पीछे का है कि हर व्यक्ति की ना सोचने की क्षमता अलग होती है जी। समझने की क्षमता, याद रखना और बिहेवियरल पैटर्न सभी बच्चों के अलग अलग होते हैं, बच्चे, व्यक्ति, कुछ भी बोलते हैं जी। तो आमतौर पर यह देखा गया है कि पेरेंट्स अपनी पसंद थोप देते हैं बच्चों पे जी। फाइन, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर डॉक्टर नहीं बन पाया जी, तो मेरा बच्चा पैदा होते ही मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये डॉक्टर बनेगा। अपने सपने पेरेंट्स बच्चों में देखते हैं, लेकिन वो क्या पता क्या बनने के लिए पैदा हुआ है जी। जैसा कि फिल्म है 3 इडियट, उसमें भी कुछ दिखाया गया है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मैसेज देने की कोशिश की जाती है समाज को, लेकिन फिर भी कुछ कमियाँ रह जाती हैं। एक और एग्जाम्पल भी लेना चाहूँगा, सचिन तेंदुलकर जी का जी। हम सबको ज्ञात है कि वो 10th क्लास पास नहीं कर पाए। बिल्कुल। और उनके पेरेंट्स को पता चला होगा कि ये पढ़ने में ठीक नहीं है, क्रिकेट में ठीक है, तो उन्होंने बैग को रखा साइड में और कहा कि बेटा क्रिकेट खेलो जी। और आज गॉड ऑफ क्रिकेट है, क्रिकेट के भगवान है, सभी जानते हैं, कोई क्रिकेट खेले या ना खेले। बिल्कुल। अगर हमारे यहाँ इस परिवेश में ऐसा हुआ होता तो उसी बैट से बच्चे की पिटाई करके कहते पढ़ ले, कामयाब हो जाएगा।
बिल्कुल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम बच्चे की पसंद और नापसंद को ध्यान में ना रखते हुए अपनी पसंद थोप देते हैं जी, और बच्चा बेचारा, हाँ मानसिकता ऐसी है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए हमें बहुत सारे साइंटिफिक प्रूवन मेथड्स हैं आजकल जी सर, उनको फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारे काउंसलर्स हैं, उनसे मिला जा सकता है बच्चे के पैटर्न को देखने के लिए जी, जी। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेन वेव्स स्कैनिंग नाम से एक टेक्निक है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि किसी भी व्यक्ति के सोचने का तरीका क्या है, उसके दिमाग करने का तरीका क्या है और किस फील्ड में वो परफेक्ट हो सकता है जी। देखा जाता है बच्चे अक्सर पिछड़ जाते हैं पढ़ाई में, संस्कृत प्रोग्राम में, खेलों में, तो उसके पीछे का क्या कारण रहा होगा सर? ऐसा है कि बच्चे अक्सर पिछड़ जाते हैं, लेकिन इसी फील्ड में कुछ एक्सट्रीम लेवल पे भी सक्सेस हासिल कर जाते हैं जी। स्पोर्ट्स में देख लें, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, किसी में भी देख लें, तो बात यह है कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी फील्ड में है जी। और उसी तरफ आप मेहनत भी कर रहे हैं जी। और उसी सब्जेक्ट या उस स्ट्रीम का एक्सपर्ट आपकी मदद कर रहा है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेसफुल होने से जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी पसंद की तरफ नहीं जाते, तो लोगों को अपनी पसंद का नहीं पता, अपना इनबॉर्न पोटेंशियल नहीं पता जी। तो वो अगर पता चल जाए, अब जैसे मैं बात करता हूँ कि अपने बच्चे की बात करता हूँ, तो मैं अपने बच्चे को चाहता हूँ कि ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, पढ़ाई में भी अव्वल आए और खेल में भी सबसे अच्छा आए, और खेल में कौन से, मैं सभी में आ जाए जी। स्विमिंग भी करवाना चाहता हूँ मैं उसको, बैडमिंटन भी खिलाना चाहता हूँ, चेस में भी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आज आप किसी भी अगर महान व्यक्ति की बात करते हैं तो एक चीज़ में परफेक्ट था वो, बिल्कुल। मल्टी टैलेंटेड बंदे शायद बहुत कम ऐसे होंगे जो बहुत पॉपुलर हुए हो, जैसे विराट कोहली जी की बात करते हैं, हालांकि वो फुटबॉल भी खेलते हैं लेकिन ही इज़ अ क्रिकेटर, जो क्रिकेट की उनका प्रोफेशनल करियर है। तो इसी तरीके से हमें अपने बच्चे को सिर्फ एक तरफ भेजना है, उसमें पूरा पोटेंशियल उसका जिस चीज़ में है वहाँ अगर भेजेंगे, बच्चा खुश होकर अपना पूरा जोर लगाएगा, तो संभावना बहुत ज़्यादा इस बात की है कि वो दुनिया में अपना नाम कमा ले जी। ब्रेन को बढ़ाने की बात आती है, कई बार बच्चे की बुद्धि ऐसी होती है किसी कारणवर विकार हो जाते हैं, या फिर कहें कि बच्चे का अपन पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो ब्रेन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखो, ब्रेन को बढ़ाने की बात आती है तो फिजिकली तो जैसा है वैसा है। हम कई बार बोलते हैं कि बच्चे तुम्हारा दिमाग छोटा है, काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आमतौर पे सबका, सभी व्यक्तियों का साइज बराबर है, सिर का साइज बराबर है, दिमाग का भी बराबर होता है, उस काम करने का तरीका अलग होता है। कई बार कुछ बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर हैं, उनका आमतौर पे कारण ये पाया गया है कि उनको ठीक से पढ़ाया नहीं जा सक रहा, उनके पढ़ने का तरीका नहीं पता हमें जी। ठीक है, तो अगर हम उसकी इंटरेस्ट देखें, चलो एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि आप किसी बच्चे को देख लीजिए या दर्शक देख रहे होंगे, जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होगा जी, इसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे, बिल्कुल। उस बच्चे को देखेंगे कोई टीवी सीरियल जो उसका फेवरेट कार्टून है या मूवी है, वो दिखा दो, सारी याद कर लेगा वो जी। दिखाते दिखाते उसको उस तरीके से पढ़ाएं, पहली बार याद कर लेगा, इसका मतलब दिमाग ठीक काम कर रहा है। तो बस जरूरत है तो बच्चे का इंटरेस्ट पैदा करने की पढ़ाई के प्रति जी, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा जी। इंटरेस्ट की बात आई तो कैसे उसको कर सकते हैं आपकी नज़रिए से? देखो, ये सारी चीज़ें ना साइंटिफिकली प्रूवन जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए अभी मैंने पहले भी बताया था कि ब्रेन वेव्स स्कैनिंग में बेस्ट लर्निंग स्टाइल पता कर लें बच्चे का, सिर्फ कि किस तरीके से ठीक से सीख सकता है, उस तरीके से सिखाएंगे तो बच्चा लंबे टाइम तक पढ़ पाएगा। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा बैठ नहीं पाता लंबे टाइम तक जी। तो उसका पढ़ने का पैटर्न ही अलग है। तो हमें अगर बच्चे के पढ़ने का पैटर्न पता चल गया, जिसे बेस्ट लर्निंग स्टाइल बोलते हैं, उस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट भी आएगा, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, बच्चा भी खुश, परफॉर्मेंस अच्छी, और वो कम टाइम में ज़्यादा याद कर पाएगा और बचे हुए टाइम में अपनी शारीरिक कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ और काम कर पाएगा जी। सर, 10वीं और 12वीं के बाद बच्चे क्या करें, कैसे किस फील्ड में जाएँ, कैसे क्या चुने, उसके बारे में बताएं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आमतौर पर ये एक सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं जी। कि बच्चा जब 10वीं या 12वीं में आता है, करियर चूज करने का टाइम आता है, तो कोई कहता है बेटा साइंस ले लो, कोई कहता है कॉमर्स ले लो, कोई ये ले लो, कोई वो ले लो। अब बच्चा कंफ्यूज, किसकी बात मानो, बिल्कुल किसी की भी बात मान ले बच्चा, सबसे अच्छा परफॉर्म तो उसका दिमाग कर सकता है, बिल्कुल सर। ठीक है, तो आजकल कुछ बायोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, वो करवाए जा सकते हैं जी। और इस टाइप की चीज़ें हम लोग इकट्ठे करते रहते हैं समाज के लोगों को अवेयर करने के लिए। विजडम ऑफ माइंड वेबसाइट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि हम कैसे अपना करियर चूज़ करें जी। तो आपके ना न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके हिसाब से एक टेस्ट होता है जिससे ये पता चल जाएगा कि किस फील्ड में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
आमतौर पर ये मिथ है कि साइंस के बच्चे ही ज़्यादा होशियार होते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन आप बात करें अगर आर्ट्स के बच्चों की, तो इतने सारे IAS बने हैं आर्ट्स के बच्चे। जी सर, है ना। तो अगर मेरा दिमाग आर्ट्स में चल रहा है और मुझे ज़बरदस्ती साइंस दे दी जाएगी, शायद मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, है ना। तो जो पसंद है, और पसंद का मतलब हुआ जिस तरफ मेरा दिमाग सही चल रहा है उस तरफ अगर चलाया जाए, बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा मैं। जी, कॉलेज के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, किस तरह उसके रोजगार के अवसर बन सकते हैं? जी, इसके लिए ना हमें देखा देखी किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि जैसे किसी गांव में एक बच्चा CA एग्जाम क्लियर करके CA बन गया, उसने काफ़ी अच्छी अर्निंग आ गई, अच्छी बड़ी गाड़ी आ गई, बंगला बन गया, तो उस गांव को छोड़ो, आसपास के गांवों के बच्चे भी CA की तैयारी करने निकल पड़ते हैं। बिल्कुल सर। रिजल्ट कैसा है हमारे सामने है। बिल्कुल सर। तो हमें एक तो किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए कि वो ये बन गया, तो सभी व्यक्ति स्पेशल हैं, सभी व्यक्ति स्पेशल हैं, ठीक है। हमें अपनी क्वालिटी के अनुसार काम करना चाहिए, जो चीज़ आपको पसंद है। हम लोग आजकल देखते हैं, लोग इंटरव्यू देने आते हैं तो पूछते हैं कि क्या काम करोगे, बोलते हैं जो भी मिल जाए वो हम कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपकी पसंद के अनुसार जिस काम को आप करेंगे उसमें बहुत अच्छा स्कोप भी रहेगा, स्कोप बना सकते हैं आप। जी, जैसे मेरी बात कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इस फील्ड में कोई स्कोप कुछ हमने देखा भी नहीं था ऐसा, और आज के टाइम में कितना बड़ा बूम आ गया इस इंडस्ट्री में, तो अपना स्कोप बनाया जा सकता है। इसके लिए हम लोग इधर गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में काउंसलिंग सेशंस रखते रहते हैं, तो किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अगर ये पूछना है कि किस फील्ड में वो परफेक्ट है कॉलेज के बाद या प्रोफेशनल करियर कौन सा चूज करें, तो उसके लिए वो यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस अटेंड कर सकते हैं हमारे। जी सर। या फिर अगेन ब्रेन वेव्स करने में करियर चार्ट होता है, एक 126 टाइप की जॉब्स हैं, उसमें कौन सी जॉब में उसका दिमाग कंपेटिबल है ये हम बता देंगे, और वो सक्सेसफुल करियर अपना निर्वहन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी हमें बातें बताई, इनने शुरुआत से किस प्रकार से ये ब्रेन मास्टर बने और किस तरह से बच्चे को जीवन को बदला जा सकता है, किस तरह से अभिभावकों की जो सोच है, विचारधारा है, उसको बदल जा सकता है, और बच्चे को कैसे आगे बढ़ने में मदद मिल जा सकती है, फिर चाहे वो 10वीं 12वीं के बाद बच्चे को क्या करना है और कॉलेज लाइफ में उसे क्या करना है, ये भी डॉक्टर साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से हमें बताया। इसके लिए हम डॉक्टर साहब के बड़े बड़े आभारी होंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद।